Next is types of chemical bonds. First is number 1, by transfer of one or more electrons from valence shell of one atom to the other forming electrovalent or an ionic bond. ऐसे पेपर में आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड्स कितनी तरह के, पहले हमने कहा कि होते क्या है, ठीक है, अब कितनी तरह के, पहला इलेक्ट्रोवेलेंट और दूसरा कोवेलेंट, तीसरा हम करेंगे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. तो पहला इलेक्ट्रोवेलेंट अभी आप इसने पढ़ा है, तो क्या किसी को समझ आई है कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एनीबडी कैन आंसर? बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर, ध्यान से सुना करो, बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेलेंस शेल, ठीक है, ऑफ वन एटम टू अनदर. जब क्या कह रहे हैं बताओ, ये तो मैंने दोबारा पढ़ दिया आपको. एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से? वन एटम, यहां से वन एटम टू अदर, एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो रहा है, एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ट्रांसफर मतलब जा रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोवेलेंट. अब आप बता सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? यस, जब एक एटम से, बताओ आप, बता दो, आप बता दो, सुना नहीं अभी, जब एक एटम से अनदर एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं. वेरी राइट, वेरी राइट. जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, तो उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट. सेकंड पढ़ो बेटा. बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन टू और थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखो सेकंड टाइप का बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें क्या हो रहा है? इसमें बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन टू और थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, शेयरिंग होनी किसमें है? कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है? दो एटम्स में, ठीक है ना, दो एटम्स की बात करें, दो एटम्स में, और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. इसमें क्या हुआ थे? ट्रांसफर हुए थे. ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे को गए थे, ठीक है, गए थे. अब यहाँ पे क्या है, ये शेयर हो, ओके, यहाँ पे क्या था कि बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है. थर्ड बोलो. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. हाँ, कोऑर्डिनेट. देखो यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक नहीं, एक एटम नहीं, कंबाइनिंग एटम में से किसी एक ने शेयर किया, ठीक है, पेयर, पेयर मतलब दो, ये दोनों ही एक एटम से आ रहे हैं इस केस में, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं. पता चल गया, इसमें जो है दो एटम के इन बिटवीन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसने मतलब आधे आधे कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे है जो पेयर शेयर किया, यहाँ पे भी शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी शेयर हो रहा है, जो शेयर हो रहा है एक ही एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं और दूसरे ने कोई नहीं डाला, तो वो लेकिन दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है.